राग अहिर भैरव जो भैरव का ही एक प्रकार है, भैरव के जैसे अन्य बहुत प्रकार है वैसे ही अहिर भैरव। लेकिन अहिर भैरव की एक खूबी ऐसी है कि अहिर लोग जो है तो उनके लोक गीतों से ये बहुत प्रभावित है। अच्छा, तो इसलिए इसका नामकरण अहिर भैरव। अच्छा, तो इस राग के आरोह और अवरोह हमें बताइए। जी बिल्कुल, अहिर भैरव एक संपूर्ण जाति का राग है जी। आरोह अवरोह में सभी सातों स्वर का उपयोग किया जाता है। अच्छा। भैरव होने के कारण रे ऋषभ जिसको हम कहते हैं वो आंदोलित और कोमल है। अच्छा। लेकिन शुद्ध धैवत और कोमल निषाद का इस राग में प्रयोग है। मैं इसके अवरोह आरोह अवरोह आपको बताती हूँ। सारे राग के प्रमुख स्वर कौन से हैं? राग अहिर भैरव के वादी संवादी है पंचम और षड्ज। लेकिन ऐसा भी हमको सुनने को मिलता है कि ज्यादातर जब हम इसकी आलापचारी लेते हैं, आलापचारी में ये राग मध्यम स्वर पे इसका प्रभुत्व हमको सुनाई देता है। अच्छा। जो मध्यम स्वर है उस पे बहुत बार आके हम ठहर ही जाते हैं तो राग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ती है। तो फिर इस राग का जो चलन है वो सुना दीजिए। इस राग की और एक खूबी है, चलन गाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूर्वांग में भैरव का ज्यादा प्रभाव इसमें आपको सुनाई देता है। जैसे सा ग म प ग म रे सा, इसमें गंभीर एक रस आपको सुनाई देता है। लेकिन जैसे हम उत्तरांग में आलापचारी करने लगते हैं वैसे वो राग उसकी जो अलग ही आपको रस उसमें दिखाई देता है। जैसे कि ग म प ध प द नी नी द प, जिसमें खमाज या काफी रागों की छटा आपको दिखाई देती है। ग म प द नी सा नी द म ग ग म प ग म रे सा। इस राग का गान समय कौन सा है? राग अहिर भैरव का गान समय है सुबह का पहला प्रहर, यानी करीब सुबह के 7-8 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा, इस राग के चमकीले सुरों से जो महफिल में इजाफा हो रहा है इसे और थोड़ा बढ़ावा देते हुए हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना पसंद करेंगे? जी, मैं आपको राग अहिर भैरव में एक प्राचीन बंदिश है जी। रचनाकार मनरंग इनकी है, अलबेला सजन आयोरी। अच्छा, बहुत जानी पहचानी बंदिश है, मध्यले तीन ताल में। अच्छा, सुनवाती हूँ आपको।
के समय के हिसाब से देखा जाए तो इसमें रस का निर्माण जो होता है ऊपर जो रस की है जी, वो क्या बताएंगे? मतलब रस वैसे तो दो प्रकार के इसमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जैसे कि गंभीर प्रकृति भैरव से उत्पन्न होती है और फिर बाद में थोड़ा श्रृंगार रस, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादा करके भैरव का ही अंग दिखाई देता है। इसीलिए शायद जो शुरुआत जिस गाने से हमने की थी उसमें गंभीर भाव था जी। अच्छा, इसमें अगर समय के हिसाब से देखें तो कौन सा रस स्वाभाविक रूप में इसमें से निर्माण होता है या होगा? पूर्वांग में जैसे हम आलापचारी की शुरुआत करते हैं तब भैरव का इस पे प्रभाव ज्यादा सुनाई देता है, कोमल ऋषभ होने के कारण गंभीर भी ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे हम उत्तरांग में आलापचारी शुरुआत करते हैं करनी तो ललित रस ज्यादा करके उसकी पकड़ में आता है इसकी राग के। एक मदन मोहन साहब ने भी इसका आविष्कार कुछ इस तरह से किया है जिसमें गंभीरता है, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो विरह भी है। अच्छा, जिन लोगों ने फिल्म देखी है देख कबीरा रोया इस फिल्म का ये गाना है, जिन्होंने फिल्म देखी है उन्हें पता चलेगा कि ये वैसे तो है नटखट सिचुएशन, धुन सुन के हम लोग समझते हैं कि बिरहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, फिल्म की सिचुएशन में ये जो गाना आता है नटखट है थोड़ा सा। अच्छा। तो इसलिए जो आप कह रही है ललित अंग इसमें आता है, लेकिन गाना बड़ा अच्छा है लोगों को मालूम। मेरी वीणा तुम बिन रोए, मेरी वीणा तुम बिन रोए, सजना 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 या फिर वो जैसे मतलब प्रभात का ही पूरा आविष्कार, सुबह का जो वातावरण होता है प्रसन्न और दिन की शुरुआत होती है उसी का आविष्कार वो विजेता फिल्म में आर डी बर्मन साहब ने जो लिया था गाना आशा जी ने गाया। इतना बखूबी इस्तेमाल किया है फिल्म संगीत में भी इस अहिर भैरव राग का। स्वामी जी आप यहाँ आई और हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन में आप हमारे श्रोता जन के लिए क्या सुनाना पसंद करेंगी? जी अंत में द्रुत तिंताल में तराना आपको सुनवाना चाहती हूँ राग अहिर भैरव में। जी जरूर सुनते हैं। No!
के धीरे किड़े तक धीता ढाकड़ा கிட்டத்தக்க கிட்டத்தக்க டேட் நான்